So hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library. So आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मतलब डिस्कस करेंगे UPSC का जो 2016 का GS1 है ना, तो उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे. ये सेट डी होने वाला है. सो जो अभी UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे इस डिस्कशन से हमें उसके लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी. सो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं. लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई रखी हैं. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. सो इसमें लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम. सो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से जैसे उसका करंट अफेयर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे. तो उनसे पूछा वो कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो पहला स्टेटमेंट है, इसका जो पर्पज़ है, इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST एंड वोमेन एंटरप्रेन्योर्स. मतलब इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो इतने भी SC ST और वोमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करना है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप्स को. दूसरा है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिफाइनेंस थ्रू SIDBI. तो ये फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे किसके थ्रू? SIDBI के थ्रू. तो इस चीज़ को याद रखना. सो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं, 1 only 2 B, मतलब 2 only, C का बोथ 1 and 2, D है नाइदर 1 and 2. तो उसका सही आंसर है C, बोथ 1 and 2. सो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं जिसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, उससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो इस चीज़ को याद रखना. सो इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ही SC ST और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप्स को उसको प्रमोट करेगी, और उसको जो फाइनेंस की प्रोवाइड होगा वो SIDBI के थ्रू होगा. सो SIDBI का मींस क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये इसका मेन, इसको फुल फॉर्म है, तो इस चीज़ को याद रखना. सो इसमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को इसमें देखें, तो द FAO अकॉर्ड, जो FAO अकॉर्ड है फूड एंड, तो चीज़ को याद रखना. तो FAO अकॉर्ड द स्टेटस, इसका जो स्टेटस है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसको GIES बोला गया है, टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम. तो व्हाट इज़ द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव. तो ये जो इनिशिएटिव है, तो इसका ओवरऑल गोल क्या है? तो इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो चीज़ को याद रखना. तो इनमें से कोई एक या दो सही हो सकते हैं, या तीनों भी सही हो सकते हैं. तो पहला है, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना फार्मिंग मेथड में, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड GIES, जिसमें मतलब क्या है, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसको GIES फॉर्म में बोला गया है, सो एज टू जनरली एनहेंस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. दूसरा इसमें दे रखा है, टू आइडेंटिफाई एंड सेव गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप. सो उनको ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाइड करना है, दूसरा उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, या ऐसे इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल को जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बताया. इसके अलावा जो लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी या नॉलेज सिस्टम है, उनको या जो लोकल कम्युनिटीज़ की सब इतनी जिस सारी चीज़ें हैं, उनको सेफ गार्ड करना है, आइडेंटिफाई करना है. तीसरा है, टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जितने भी वहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उनको स्टेटस प्रोवाइड करना है. सो इसमें है, तो इनमें तीनों में से कोई एक, चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला एक आया 1 and 3, दूसरा है 2, सी का है 2 and 3, या डी ए ऑल. तो इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा. सो इसका सही करेक्ट आंसर है दूसरा. तो इसमें से दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी. तो ये इसका सही ओवरऑल ये गोल है इस इनिशिएटिव का, तो उस चीज़ को याद रखना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. तो इसमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछी गई हैं इसमें, तो इस चीज़ को याद रखना. सो आपको पता चल जाएगा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज क्या है. सो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीन है. तो इनमें से कौन से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं? सो ये इसका सही आंसर D 1 2 3. सो ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इस चीज़ को याद रखना. सो जैसे इस मैप में दे रखा है, यहाँ दियांग, कामेंग, दिबांग, तो यहाँ इस मैप में ब्रह्मपुत्र की ये तीनों ट्रिब्यूटरीज़ देखने को मिलेंगी, तो चीज़ को याद रखना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, फोर्थ क्वेश्चन है, जो टर्म दे रखी है इसमें, द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. सो द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स इन सीन द न्यूज़. सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इस रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं.
तो इन स्टेटमेंट कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें वन ओनली, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड वन एंड टू, वन टू थ्री मतलब ऑल। तो हम इसमें से सही करेक्ट आंसर देखते हैं, तो इसकी वजह से इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का इसका करेक्ट आंसर है, जो स्टेटमेंट जिसका टर्म दे रखी है इसका सही आंसर है ए वन ओनली, तो मतलब ए वाला सही है। तो ये इसका मतलब है, तो इसका क्या है, इट इज़ ए नेटवर्किंग ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का जो टर्म दे रखी है इसका ये मतलब है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो इसमें मैचिंग वाले दे रखे हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन मैचिंग जिसमें बोलेंगे टर्म सब समटाइम, मतलब टर्म समटाइम्स इसमें दे रखा है जो न्यूज़ में थी, उनका जो देयर ओरिजिन सीन इन द न्यूज़, सो मतलब टर्म है और उनका ओरिजिन दे रखा है। तो ये है, तो पहला है एनएक्स वन कंट्रीज, उसमें दे रखा है कार्टिजन प्रोटोकॉल, दूसरा सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नागोया प्रोटोकॉल, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा मैच सही है, तो ये क्वेश्चन है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी थ्री तीसरा वाला, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल से ही यहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका, तो इस चीज़ को याद रखना। और बाकी के जो दो हैं, जो स्टेटमेंट टू है जिसमें सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन जिसमें दे रखा है, वो जनरेट हुआ था क्लीन डेवलपमेंट वाले मामले में, सर्टिफाइड इमिशन वाले में प्रोजेक्ट में हुआ था CDM करके, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखना। और जो एनएक्स वन कंट्रीज़ हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ना कि कार्टेजियन वाले प्रोटोकॉल से, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिक्स, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म जो ट्रांसक्रिप्टोन, जो एक टर्म है ट्रांसक्रिप्टिंग, वो न्यूज़ में रही थी, तो ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्टिंग का मतलब यही है, द फुल रेंज ऑफ RNA जो mRNA है मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय n, सो इसका मेन यही है। सो जो टर्म जो दे रखी है ट्रांसक्रिप्टोम, वो कैन बी ऑल्सो यूज एज ए डिस्क्राइब द एरे ऑफ द mRNA ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सेल ऑफ द टिश्यू टाइप। तो इसमें ये इसका मीन्स इसमें दे रखा है, सो इसमें जो mRNA दे रखा है उसको जो है जो टिश्यू होती है, जो टिश्यू टाइप जो होती है या पर्टिकुलर सेल होती है उसको ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका यही मतलब है, तो इसमें ये दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें सेवन क्वेश्चन, सो मिशन इंद्रधनुष है, ये उस टाइम न्यूज़ में था, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, तो इसका मतलब क्या है मिशन इंद्रधनुष का। सो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चार दे रखे हैं, तो उनमें से कोई सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो मिशन इंद्रधनुष का मतलब था कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, सो प्रेग्नेंट वुमेन जो चिल्ड्रन का उनको इम्यूनाइजेशन करना, उनको टीका वगैरह ये सब लगाना था, तो वो मिशन इंद्रधनुष के अंडर ये सब किए जा रहे थे। सो जैसे इसमें लिखा है कि मिशन इंद्रधनुष सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, सो इनके डिफरेंट टीके लाइक डायफ्थेरिया हो गया, टिटनेस हो गया, पर्टुसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मेजल्स, हेपेटाइटिस बी, तो इन सबके इसमें टीके लगाए जा रहे थे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन है उनको, तो इसका मतलब ये हो गया मिशन इंद्रधनुष का। सो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, जो ग्रीन इंडिया मिशन है तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्टेटमेंट नंबर तीसरा सही है। सो ग्रीन इंडिया मिशन का मेन इसमें देखा जाए तो उसका मतलब कि रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर है उसको रिस्टोर करना और उसको और जो बाकी जो बचे हुए हैं उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना, एंड रेस्पॉन्डिंग टू अ क्लाइमेट चेंज बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्शन इन मिटिगेशन मीजर, कुछ ऐसे मिटिगेशन मीजर लेने चाहिए, एडेप्शन करना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको उसको टैकल कर सके या उसको के लिए रेस्पॉन्ड कर सके, तो इसका ग्रीन इंडिया मिशन का ये मेन मोटो था, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन, सो विद रेफरेंस टू द प्री पैकेज आइटम इन इंडिया इट इज़ मैंडेटेड टू द मैन्युफैक्चर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेवल, सो जो प्री पैकेज आइटम होते हैं जो इंडिया में, तो एक मैंडेटरी है मैन्युफैक्चरर को उस चीज़ को ऐसे लेवल को मेन जो लेवल है उसको पुट करना है। सो एज पर द जो जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो पैकेजिंग लेवलिंग रेगुलेशन 2011 है उसके हिसाब से वो कौन सी चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज़ को याद रखना।
सो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। सो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड इंक्लूडिंग एडिटिव्स, सो जो मेन लेवल होता है उसमें लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू उसमें मेन लेवल में वो प्रिंट रहते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लेबल्स पर छपी रहती है, प्रिंट होती है। और तीसरा वाला नहीं होता, चौथा वाला होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्या वो वेजिटेरियन है या वो नॉन वेजिटेरियन, ये भी इन्फॉर्मेशन उस मेन लेवल पर छपी रहती है, मतलब प्रिंट रहती है। सो ये तीन इन्फॉर्मेशन उस मेन लेवल पर प्रिंट रहती है। ये तीसरी वाली जो इन्फॉर्मेशन ये नहीं गलत है, ये नहीं होती, इसमें जो कि इसमें लिखा है रिकमेंडेशन इफ एनी मेड, सो इफ एनी मेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल अबव द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जी रिएक्शन। सो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उस मेन लेवल पर छपी नहीं रहती, प्रिंट नहीं होती, तो इस चीज़ को याद रखना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रोजेक्ट लून उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन थे। सो प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, तो वो किससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट लून? सो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये प्रोजेक्ट लूम वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो प्रोजेक्ट लूम जो कि वो हेल्प करेगा कनेक्ट ऐसे रिमोट रीजन जो है अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो है रिमोट उनको कनेक्ट करेगा इस प्रोजेक्ट लूम के जरिए, जो कि एक स्काई बीमिंग इंटरनेट होगी, जो फ्लाइट मतलब जो बलून होते हैं एयर बलून होते हैं उनके उसके जरिए। सो प्रोजेक्ट लून एम्स टू हेल्प कनेक्ट रिमोट रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू इंटरनेट वायर नेटवर्क ऑफ बलून्स, जो एयर हॉट एयर बलून है उसके जरिए इसको कनेक्ट करना, जो इंडिया के जो रिमोट रीजन है या वर्ल्ड के हैं उनको कनेक्ट करना है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, नेट मीटरिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, तो इसके जो नेट मीटरिंग है वो क्या है, इट्स प्रमोटिंग द, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंजप्शन। सो नेट मीटरिंग से मतलब है जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो यूज़ हो रहा है सोलर एनर्जी का जो हाउस होल्ड के जरिए, उसको नेट मीटरिंग बोला जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखे हैं, तो इंडिया इज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर डेट रैंकिंग। सो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स आता है, सो इसमें रैंकिंग आती है, तो ये न्यूज़ में रहती है हर साल इसकी इंडेक्स आता है, तो इस चीज़ को इस इंडेक्स को वो कौन डिक्लेयर करता है? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं OECD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंडेक्स है वो कौन डिक्लेयर करता है? वो करता है वर्ल्ड बैंक। सो ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वो डिक्लेयर किया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो जैसे मुझे लगा जो इस साल की जो इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 63, तो उस चीज़ को याद रखना। सो इंडिया इंप्रूव इट्स रैंकिंग बाय 79 पोजीशन, जो पिछली साल थी अब कितनी है, 63, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बंजारा ड्यूरिंग द मीडिवल पीरियड, सो मीडिवल पीरियड के टाइम पे जो बंजारा जो कम्युनिटी थी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में, तो वो जनरली कौन होते थे, बंजारा जो होते हैं वो कौन होते थे? ऑप्शन है एग्रीकल्चरिस्ट, या वो वॉरियर होते थे, वीवर्स होते थे, या ट्रेडर्स होते थे। तो इन चारों में से कोई करेक्ट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ट्रेडर्स। सो ये जो बंजारा कम्युनिटी जो होते थे, बंजारा के जो लोग होते थे ना, वो मेनली ट्रेडर्स होते थे, वो ट्रेड करते, बिजनेस करते थे, जगह जगह घूम कर, तो इस चीज़ को याद रखना, वो ट्रेडर्स होते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, नौ क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट डेसिफाइड द एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोक, जो एम्परर अशोक आया, तो उनमें से किस चारों लोगों ने जो उसका जो फर्स्ट डिसिपियर जो एडिक्ट था उसको फर्स्ट डिसिपियर किया था? ऑप्शन इसमें से जॉर्ज बिलर, जेम्स प्रिंसिप, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स, तो इनमें से कोई करेक्ट आंसर हो, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसिप। सो इन पर्सन ने जो अशोक जो है उनका एडिक्ट फर्स्ट पहले डिसिपियर किया था, तो चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, ऑप्शन 15 क्वेश्चन, तो विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, सो ग्राम न्यायालय जो एक्ट है उससे उसके रेफरेंस में देखा जाए, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 only, 2 only, both and neither, तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? 2, ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 क्या है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या अलाउ करता है, लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज ए मीडिएटर और रिकन्सिलेटर। सो जो लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको एज ए मीडिएटर और जो रिकन्सिलेटर होते हैं उनको अलाउ करता है ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इस चीज़ को याद रखना, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर
टू इसमें सही हो जाता। पहला इसमें क्या दे रखा था कि ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। सो ग्राम पंचायत जो न्यायालय होती हैं वो क्रिमिनल केसेस को भी सुनती हैं, उनको हियर करती हैं, इसी वजह से स्टेटमेंट नंबर वन गलत हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16, तो विद रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। सो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला है कि ये एग्रीमेंट है अमॉन्ग द ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। सो जितने पैसिफिक कंट्रीज हैं उसमें कंट्रीज मेंबर हैं एक्सेप्ट चाइना और रशिया, चाइना रशिया को छोड़ के। दूसरा है, इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर पर्पज इज ए मैरिटाइम सिक्योरिटी ओनली। सो इसका जो पर्पज है क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है ओनली। सो एक चीज़ को याद रखना, जब भी कभी वर्ड ओनली आ जाता है तो उस चीज़ को एज ए डाउट की तरह देखा जाए, कि देखा जाना चाहिए कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सो उसमें एक तरह का डाउट आ जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होता है वो है डी, नाइदर वन नाइदर टू। सो ये इसका करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। सो इस चीज़ को याद रखना, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में चाइना और रशिया जो जो दो दे रखे हैं स्टेटमेंट वो दोनों ही गलत हैं। सो इनमें जो ट्रांस पैसिफिक जो रिम कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन सी हैं, वो हैं US, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, चिली और पेरू। सो ये कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है तो इस चीज़ को याद रखना, ये इन चीज़ों के इनके अंदर ये इतनी सारी कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट है तो इस चीज़ को जाना। और इसके अलावा बिकॉज इसमें जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज एग्रीमेंट है तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी सारी ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट रशिया चाइना ओनली 50+ रिम कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा दूसरा जो होता है कि विच इट इज स्टैटिक अलायंस, ये स्टैटिक अलायंस नहीं, एक ट्रेड ब्लॉक है। सो इसी वजह से ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट टू है वो भी गलत हो जाता है तो उस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अफ्रीका समिट के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है, सो इंडिया अफ्रीका समिट दे रखा है इसके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट भी दे रखा है कि ये हुआ था 2015 में, इसका थर्ड समिट जो हैड 2015 वाज द थर्ड समिट, जो 2015 में उसका तीसरा समिट था। दूसरा, इट वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन 1951। सो जो इसको जो इनिशिएट किया था वो एक्चुअली किन्होंने किया था, जवाहरलाल नेहरू, वो भी 1951 में। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उनमें से सिर्फ पहला वाला ही सही है। सो 2015 में जो होता उसका तीसरा समिट था बट इसको जवाहरलाल नेहरू ने इनिशिएट नहीं किया था तो इस चीज़ को याद रखना। इसको क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंडर इसको इनिशिएट किया गया था, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अफ्रीका समिट स्टार्टेड इन 2008। फर्स्ट समिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेटर डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया सिंस 1983 नॉन अलाइन मूवमेंट समिट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट समिट के बाद में इसको स्टार्ट किया गया, ना कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1951 में, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखे, क्वेश्चन नंबर 18। सो इस क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ या ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। सो जिसको MCLR बोलते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है जो RBI अलाउंस करता है। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। सो दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों स्टेटमेंट इसमें देखते हैं क्या है। सो ये जो गाइडलाइंस है ये हेल्प करती हैं, क्या हेल्प करती हैं, इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस। से जो एडवांस पर जो इंटरेस्ट दिया जाए तो वो जो गाइडलाइन है जो मेथोडोलॉजी है वो एज ए उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंस कहता है, उस चीज़ को इम्प्रूव करती हैं ये गाइडलाइंस। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स विच आर फेयर टू बोरोअर एज वेल एज द बैंक। तो ये दूसरा स्टेटमेंट, सो दोनों स्टेटमेंट MCLR जो दे रखा है जो RBI अनाउंस करती है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए कि वाट आर द यूनिक अबाउट खराई कैमल। जो खराई कैमल है, जो कैमल की एक ब्रीड है वो इंडिया में पाई जाती है, तो उसमें क्या यूनिक है, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जिसमें 1 and 2 स्टेटमेंट है वो दोनों सही है। तो 1 and 2 हम पढ़ते हैं, तो ये इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 kilometers इन सी वाटर। जो सी वाटर है उसमें 3 kilometers तक ये कैमल जो है स्विम कर सकता है। और दूसरा क्या है, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव। जो मैंग्रोव होता है उसके ऊपर ये सर्वाइव कर सकता है, तो ये दो स्टेटमेंट सही है। तीसरा इसमें क्या रहेगा कि इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
तो इस चीज़ को याद रखना। सो ये खराई कैमल ये इस तरह के कुछ दिखते हैं। सो ये सी वाटर में वो स्विम कर सकते हैं और ये मैंग्रोव पर ही सब सर्वाइव कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रिसेंटली आर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन ए हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प है। तो वो डिस्कवर हुआ है तो किस इंडिया के किस जगह पर डिस्कवर हुआ है? तो उसका सही आंसर है अंडमान निकोबार, जो अंडमान का जो आइलैंड है वहाँ पर इस बनाना को डिस्कवर किया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधरणी। जो INS अस्त्रधरणी है वो न्यूज में रही है काफ़ी देर, तो समटाइम न्यूज, तो उसका मतलब क्या है? ये है क्या, क्या वॉरशिप है या सबमरीन है या वेसल है या एयरक्राफ्ट है? तो इन चार में से कोई करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट आंसर क्या है? वो सी, वो एक टॉर्पेडो लॉन्च एंड इक्वरी वेसल है। सो IS अस्त्रधरणी, सो इस चीज़ को याद रखना, ये कुछ इस तरह की दिखती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो व्हाट इज़ द ग्रीस लाइटनिंग 10, जो GL10 इसको बोलते हैं, उस टाइम 2016 के टाइम पे ये न्यूज़ में रहा था। तो आखिर ये क्या है GL10? सो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो उसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। सो ये नासा का प्लेन है जो नासा ने टेस्ट किया था, जो एक इलेक्ट्रिक प्लेन है। सो यह कुछ ऐसा दिखता है, तो उस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रो इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। सो मिलेट्स प्रमोशन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रो इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन है, तो विच ऑफ द इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा सही है? ठीक है, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी जिसमें 1 और 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं, तो तीसरा गलत है, तो 1 और 2 ही पंप पढ़ते हैं। सो पहला है दिस इनिशिएटिव एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद क्लस्टर अप्रोच। सो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा वाला है पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। सो जितने पुअर हैं, जितने स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, तो उनमें इनका सबसे ज़्यादा स्टेक रहेगा। तो ये इसका जो है इनिशिएटिव जो लिया है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन में, तो ये 2 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें सो जिसमें देखें द स्वदेशी और जो बॉयकट है वर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। तो ये जो 2 वर्ड हैं या जो अडॉप्ट किए गए थे स्ट्रगल के टाइम पे, वो कब अडॉप्ट किए गए थे? तो इसमें से सही आंसर है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तब ये स्वदेशी और बॉयकट वाला जो थे उनको काफ़ी उनको अडॉप्ट किया था उस टाइम में, तो इस चीज़ को याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर, तो रिलीजियस हिस्ट्री से रेफरेंस करके इनको इन जो स्टेटमेंट है उनको कंसिडर करना है, तो उनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये सही है। तो 2 और 3 को हम पढ़ते हैं, तो जो बोधिसत्व थे एज ए कंपेंसेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइनमेंट, मतलब जो बोधिसत्व कौन होते हैं, वो जो एनलाइनमेंट की वे में होते हैं बट वो छोड़ चुके होते हैं। सो कंपेंसेट ऑन वन ऑन हिज वे टू एनलाइनमेंट, सो जो एनलाइनमेंट के जो वे में थे, मतलब उनको एनलाइनमेंट प्राप्त होने वाले थे बट वो उसको रास्ते को छोड़ चुके थे, तो उनको बोधिसत्व बोलते हैं। और तीसरा स्टूडेंट क्या है, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग His own salvation to help the sentient beings on their part to it. So ये इनका वर्क होता है। सो ये दे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ये सही थे, तो इस चीज़ को याद था। और पहला वाला क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखे जाए, सो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो एक मेडिसिन मतलब जो फ्रेंच में लिखा हुआ, तो ये था तो इस टाइम न्यूज़ में था, तो इसका मतलब क्या है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का? तो इसमें ऑप्शन नंबर है बी, ये नॉन गवर्नमेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल NGO, तो इसको याद रखना ये NGO था। सो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड NGO है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। सो बेस्ट नोन फॉर इट्स प्रोजेक्ट इन वॉर टॉर्न, जो जितने भी वॉर एरिया वाले होते हैं वहाँ पर ही अपना वही अपना वर्क करते हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहता, इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें,
विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी इसके रेफरेंस में स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जिसको जो दूसरा तीसरा है वो सही है। तो दूसरा तीसरे को ही हम रीड करते हैं। सो इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमी बेनिफिट। जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो इनको फोकस करता है। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। और तीसरा क्या है, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट इट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकोगनाइज द डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। जितने भी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी जितने भी वैल्यू होती हैं उनको कैप्चर करना, उनका और जो डिसीजन मेकर है ना उनको रिकोगनाइज कराना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये, और इसको इनिशिएटिव है, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। सो विद रेफरेंस टू द रेड सैंडर्स जो कि न्यूज में रहे थे, तो मतलब कि इनका ये है क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज़ ए ट्री स्पीसीज फाउंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। सो ये ट्री स्पीसीज जो कि साउथ इंडिया में मिलती है। दूसरा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। सो ये ट्रॉपिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ वन वाला मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है। सो ये ट्री स्पीसीज जो कि साउथ इंडिया में मिलते हैं। सो इसमें जो दे रखा है दूसरा स्टेटमेंट वो है वो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट में मिलते हैं, ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, इसी वजह से ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करें, तो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सो पहला इसमें दे रखा है कि पहला ये है कि प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यू एंड रेड प्लस है प्रोग्राम है, तो उससे रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो इसका पहले तो करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। तो यूएन की जो रेड प्लस जो प्रोग्राम है, तो उससे रिलेटेड कोच इसमें दे रखे हैं। तो पहला इसमें प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना। दूसरा है रिसाइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम उसको रिसाइलेंस करना। देन पॉवर्टी रिडक्शन भी इसका एक पार्ट आ जाता है, तो इसी वजह से ये इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, सो व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। सो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रीन हाउस प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स में है, जो कि क्या करेंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, मैनेज करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। तो इसका ये है, तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में ये दे रखा, तो चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दें, क्वेश्चन नंबर 31। सो विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो दे रखा है तो वो क्या है? तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी मतलब 2 और 3 वाला सही है। तो 2 और 3 देखते हैं, ये हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करती हैं। और जो तीसरा क्या है, इट मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी। सो किस चीज़ को मैनेज को मॉनिटर करते हैं? मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करते हैं जो इकोनॉमी के हैं, तो चीज़ को याद रखना। सो इसमें जो है इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्या है? विद रेफरेंस टू द एजेंडा 21। सो एजेंडा 21 के बारे में दे रखा है, तो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें से स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही होगा, पहला वाला क्या, ये ग्लोबल एक्शन है प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें एजेंडा 21 में आता है, तो इस वजह से ये सही है। और जो दूसरा वाला जो दे रखा है वो जिसमें दे रखा है कि जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था, बट ये 2002 में नहीं, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में हुआ था, इसी वजह से ये पहला वाला जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो वाला गलत हो गया था। ये कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसी वजह से ये स्टेटमेंट नंबर 2 वो गलत हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 33, सत्य शोधक समाज जो है वो क्या है? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट है जो कि महाराष्ट्र में चलाया गया था। सो सत्य शोधक समाज एंटी कास्ट मूवमेंट है जो महाराष्ट्र में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द सत्यशोधक समाज के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो सत्यशोधक समाज जो कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी वाले सोशल रिफॉर्म साइट है, इसको ज्योति राव फुले ने पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था और कब किया था, 1873 में। सो इसको याद रखना। इसमें मेनली किसको किन लोगों को ज़्यादा फोकस किया? अनप्रिविलेज्ड ग्रुप एंड लाइक
वुमेंस हो गया, शूद्रा, दलित, जो महाराष्ट्र, इन लोगों पर ज़्यादा फोकस किया गया था उनके राइट्स को, राइट्स दिलाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं कि वायरस जो होता है, वायरस कैन इफेक्ट, सो वायरस किन पर, किन को इफेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंगी या प्लांट्स, तो ये तीन दे रखे हैं। वायरस किन लोग, किन चीज़ को इफेक्ट कर सकता है, तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों ही को ही वायरस इफेक्ट कर सकता है। सो ये क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट हो जाता है बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से, सो वो भी एक तरह का वायरस, तो इससे रिलेटेड ये ऐसे जैसे ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं, तो चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 35 देखें, द टर्म जो है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, जो है बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग, सो ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, सो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है जो है वो सही है, कर्विंग ऑफ टैक्स इविजन बाई मल्टी नेशनल कंपनीज, सो जो टैक्स इविजन होता है उससे रिलेटेड है। सो बेस इरोजन, सो बेस इरोजन मतलब समझिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को याद रखना। सो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जैसे इसमें लिखा कि लैक ऑफ कंसिडरेशन हो गया या एक्सप्लोटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स हो गया, सो ये टैक्स इविजन वाला टर्म है, तो इस चीज़ को याद रखना, जो कि मल्टी नेशनल या MNC जो कंपनीज हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसे सारी चीज़ें वो टेक्निकल फॉल्ट का यूज़ करते हुए उनका यूज़ करती हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो प्रपोज किया था, तो वो प्रपोज कहाँ किया गया था, वो किया गया था आंध्र प्रदेश में, तो इस चीज़ को याद रखना। सो उस टाइम का ही करंट अफेयर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए, तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, सो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उसका पर्पज क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दो है, दूसरा वाला है वो सही है, तो दूसरा वाला हम पढ़ते हैं, तो वो इसका मेन पर्पज क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, जो माइनिंग ऑपरेशन से जो पर्सन इफेक्ट हैं तो उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो ये इसका मतलब है। देन 38, स्वयं जो इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट इंडिया में उसका मेन एम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, तो मेन एम क्या है उसका, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री, मतलब जो सिटीजन, इंडिया के सिटीजन, उनको अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये स्वयं का जो सेम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसका मेन था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, सो ये इसका मतलब लोग हैं पावर्ड बाई फ्री ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी उसमें स्वयं पोर्टल के जरिए, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो प्रपोज किया था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल, तो इस वो किससे रिलेटेड था, सो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए, तो इस चीज़ को याद रखना। जो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, तो उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो प्रपोजल थे, उसमें जो इनकी गाइडलाइंस थी उसमें इसको लिया गया था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, तो व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ द टू हिस्टोरिकल पैलेस नोन एज अजंता और महाबलीपुरम, सो जो अजंता और महाबलीपुरम है उनमें दो कॉमन, उनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है, सो इसमें पहले तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 1 और 3, तो हम 1 और 3 को ही देखेंगे। सो बोथ वर बिल्ट ऑन द सेम पीरियड, तो पहले अजंता और महाबलीपुरम मतलब दोनों ही सेम पीरियड में बिल्ट हुई थी, और तीसरा क्या है, बोथ है रॉक कट मॉन्यूमेंट, सो दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट थी, मतलब दोनों एक ही रॉक से बनाई गई चीज़ें थी, तो इस वजह से ये दो कॉमन चीज़ें दोनों। सो दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं जो गलत है, वो दिया है कि बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीज है दोनों, सो दोनों सेम रिलीज से नहीं करती थी, सो इस चीज़ को याद रखना ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 41, सो विद रेफरेंस टू द बिटकॉइन, सो बिटकॉइन उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था, तो इस बिटकॉइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट दे रखें, तो इन स्टेटमेंट सभी स्टेटमेंट तो सही नहीं होंगे, तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी कौन सा, 2 और 3, सो 2 और 3 पढ़ते हैं। सो एनी वन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनिमल सेल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस, सो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, कोई भी बिटकॉइन का एड्रेस किसी को सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ये बिटकॉइन का मेन पर्पज है, मेन मोटो है, सो और इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, ये इसका मेन एक जो मेरिट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसका मेन है बिटकॉइन का। तो तीसरा इसमें क्या है, ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंड विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर, सो इसमें जो आइडेंटिटी होती है जो सेंडर की वो इसमें जानने की जरूरत नहीं होती, ना ही वो लीक होती है, तो ये भी एक वन ऑफ द मेन मेरिट है इस बिटकॉइन का, तो इसको याद रखना। और इसमें जो पहला पॉइंट जो होता है जो नहीं है
क्योंकि इसको ट्रैक किया जाता है सेंट्रल बैंक्स ऑफ कंट्रीज के द्वारा, वो ऐसा नहीं है। सो यही इसका सबसे ज़्यादा मेन जो मेरिट है, जो मेन जो प्रॉफिट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसको कोई भी सेंट्रल बैंक या कोई भी चीज़ इसको ट्रैक नहीं कर सकती। सो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप सो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो अपेक के द्वारा सेटअप किया गया था, और दूसरा वाला हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ है, संघाई में। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों इनमें से सिर्फ पहला वाला दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर बी टू ओनली। सो इसका जो ऑप्शन जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, बट इसको ब्रिक्स बैंक जो ब्रिक्स कंट्री है उनके द्वारा जब सेटअप किया गया, और ब्रिक्स कब कब किया था इसको 2014 में। तो इस चीज़ को याद रखना, ना कि अपेक कंट्रीज ने नहीं, कि उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज ने इसको सेट किया गया था, उसको खड़ा किया गया था। सो इसको याद रखना। देन 43 क्वेश्चन, जो गदगिल कमेटी रिपोर्ट है या जो कस्ती रंजन कमेटी रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, सो वो किससे रिलेटेड है, वो है वेस्टर्न घाट से। सो ये ऐसे काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में। सो गदगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन रिपोर्ट है वो वेस्टर्न घाट के जो प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आई थी, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, तो व्हाट कंसीडर द फॉलोइंग, सो इसमें देखा है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, देन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, देन इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ये तीन दे रखे हैं। सो इसमें जो केशव चंद सेन है वो इन समय से किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड थे, ये इसमें क्वेश्चन है। सो केशव चंद सेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें से सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी टू एंड थ्री। सो जो टेबल नेकल और जो न्यू डिस्पेंसेशन है या जो और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इन दो एसोसिएशन से ये केशव चंद सेन है उनसे एसोसिएट थे, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उनमें से कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें से मेन अगर आपको पता होता तो ईरान जो कंट्रीज हैं, सो ईरान कंट्री वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो उसको जीसीसी बोलते हैं वो इसका पार्ट नहीं है, तो इसको याद रखना। सो इस मैप में भी इस मैप में आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्री इसमें मेंबर है। सो इसमें सऊदी अरेबिया है, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सो ये कंट्रीज जीसीसी मेंबर की काउंसिल जो है उसके मेंबर है, बट इसमें ईरान जो है वो नहीं है इसका मेंबर, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 46 में देखा जाए, तो व्हाट आर द पर्पस ऑफ द जो गवर्नमेंट के जो सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है और जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका पहले तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 देखते हैं, टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू इकोनॉमी, सो जो इंडियन को जो गोल्ड है, जो हाउस होल्ड जो गोल्ड कैरी करते हैं, तो उसको इकोनॉमी में लाया जाए, तो ये इसका मेन इनिशिएटिव जो पर्पज है। दूसरा क्या है, जो ऑप्शन नंबर थ्री तीसरा जो है वो है टू रिड्यूस इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट, सो इंडिया की जो गोल्ड इम्पोर्ट करता है तो उसकी जो डिपेंडेंस है, जो इंडिया की डिपेंडेंस है जो गोल्ड इम्पोर्ट करने में, वो कम करी जाए, तो ये इसका पर्पज है, दो पर्पज है मेन पर्पज, तो इसको याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी मैंने तो इसका आंसर ही बता दिया, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, चाइना का। सो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, तो इस चीज़ को याद रखना। फिर भी ये इसका मैप है, सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI बोला जाता है, तो ये इन कंट्रीज होके गुजरता है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि BRI जो है वो किस कंट्री से होके नहीं आता, तो ये इसका प्रपोज मैप है जिसमें कलकत्ता जिस इंडिया को भी लाएगा, बट इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये पुराना मैप है, ये चाइना की तरफ से दिया हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो उसका एम क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसका एम है ब्रिंगिंग स्मॉल जो इन छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ये मेन एम है इसका, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो शेल गैस रिसोर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाया जाता है इन रीजन में से, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, ये तीनों ही सही हैं। तो इंडिया के जो सेल गैस के जो रिसर्व हैं वो कैम्बे बेसिन में भी पाया जाता है, कावेरी बेसिन में भी पाया जाता है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाया जाता है,
तो इस चीज़ को जानना है। सो कैम्बे बे, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन तीनों बेसिन में ये जो जो सेल गेस का जो रिसोर्स है वहाँ पर ये पाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए तो ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है? सो ये है करती है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, बनाती है, निकालती है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए तो रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1 और 3, पहला और तीसरा आंसर स्टेटमेंट सही है। तो पहला तीसरे को पढ़ते हैं, तो इसमें दे रखा है पहले में इट इज़ ए मिनिमम गारंटी पेंशन, मतलब मिनिमम गारंटी पेंशन है दी जाएगी, किनको टारगेट किया, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम पेंशन दी जाएगी और वो पेंशन गारंटेड होगी, मतलब उनको पेंशन दी जाएगा वो इस योजना से जुड़ते हैं। और तीसरा उसमें क्या बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पोज, और सेम अमाउंट ऑफ जो पेंशन है वो किसको दिया गया, जो स्पूज जो है इसलिए वर्कर की, फॉर द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ, जित अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो उतना जो जो उतनी जो पेंशन मिल रही थी उस वर्कर को, उसकी डेथ के बाद उतनी ही पेंशन उसकी वाइफ को भी, या जो वाइफ अगर वाइफ वर्कर है तो उसके हस्बैंड को, जो स्पूज है उनको मिलेगी, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये मेन उसमें पॉइंट देश में दे रखे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 52 इसमें देखें जो सो द टर्म जो दे रखे इसमें दे रखी है रीजनल कंप्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RCEP बोला जाता है, तो नीच में रहती है, तो ये किस ग्रुप से या किस ग्रुप के कंट्रीज में रिलेटेड इसमें होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें आशियन कंट्रीज इससे रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। और इस साल भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ये आज भी ये पूछी जा सकती है इनडायरेक्टली किसी और तरीके से, किसी और वे में। देन क्वेश्चन नंबर 52-53 इसमें देखे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट स्टार लेवल जो है वो इनमें से तीन इसमें दे रखें किन में ये चीज़ें पाई देखने को मिलेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 इन तीनों चीज़ों में देखने को मिलेगा। सो सीलिंग फैन में भी ये लेवल देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक गीजर में भी देखने को मिलेगा, और जो ट्यूबलर फ्लोरेसेंट जो लैंप है उसमें भी ये जो लेवल है जो स्टार जो दे रखे हैं 5 स्टार होना चाहिए, 4 स्टार 3 स्टार, ये लेवल देखने को इसमें मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 सो इंडिया इज इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, सो इसका मेंबर है। सो इसमें दे रखा है इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज, सो बोला है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो इसका इमीडिएट एडवांटेज इंडिया को क्या मिलेगा, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तो इसका मेन एडवांटेज जो इंडिया को, इमीडिएट एडवांटेज जो इंडिया को मिलेगा वो क्या होगा, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन, जो फ्यूजन रिएक्टर है वो पावर जनरेशन में के लिए काम में लिए जाएंगे, तो ये इसका मेन है। तो सो जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, सो लाइक चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, इंडिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया, रसिया, या जो यूनाइटेड स्टेट हैं इसमें, ये काफ़ी सारे कंट्रीज में इसके मेंबर हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए मैच द फॉलोइंग वाला है, तो उसमें कुछ टर्म दे रखे हैं, कुछ डेस्क्रिप्शन दे रखे हैं, जिसमें इरीपट्टी, तन्यूस, घतिक्स, तो ये हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 है। तो इसमें 1 और 3 को हम देखते हैं, इरीपट्टी क्या है, वो एक लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अप पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, तो इसका मेन मीनिंग इसका ये है। देन घटिक्स क्या है, वो एक कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, जो ऐसे कॉलेज जो कि टेम्पल से अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 56, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा सही है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, मतलब ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो 2015 में उसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में। और दूसरा क्या दे रखा है, द अलायंस इसमें जितने भी मेंबर हैं कंट्रीज वो यूनाइटेड नेशन वो सभी इसके मेंबर हैं, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर एक जो है स्टेटमेंट है वो सही है, ये वाला गलत है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सो इसके जितने भी मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी मेंबर इसमें नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 56 में देखा जाए तो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो उस टाइम न्यूज़ में रहा था, तो उसका मतलब क्या है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसका मतलब ये कि एक एजेंसी है जो यूरोपियन यूनियन की, क्या प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूरो जोन कंट्रीज़। तो जितने भी यूरो जोन कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। सो यूरो जोन कंट्रीज़ इसमें उनको प्रोवाइड करेगी, जो कि एज ए न्यू कैपिटल बैंक टू डिफिकल्ट, जो उनकी जो वो कंट्रीज़ के कैपिटल बैंक हैं उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, इस वजह से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इसका मतलब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज और डिस एडवांटेज क्या है ड्रिप इरीगेशन के। सो ड्रिप इरीगेशन जो टेक्निक है तो उसका मेन एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इसमें सही है, रिडक्शन इन वीड एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन कम हो जाता है, वीड जो रिडक्शन में जो वीड की जो रिडक्शन है वो कम हो जाती है, बट सॉइल सैलिनिटी है वो कम नहीं होती। तो इसमें 2, 1 और 3 वो वाला सही है, ना कि स्टेटमेंट नंबर 2 वो गलत है। तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 59 इसमें देखा जाए, तो क्वेश्चन 59 किसके रिगार्डिंग है, वो रिगार्डिंग डिजी लॉकर। सो डिजी लॉकर जो इसमें बोल दे रखा है, सो डिजी लॉकर से रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो डिजी लॉकर सिस्टम ऑफर्ड, वो गवर्नमेंट अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट वो ऑफर कर रही है, उसमें इसके अंडर क्या हुआ, वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर इसको ऑफर कर रही है। सो वो क्या, ये क्या इसका मतलब क्या है, ये इट अलाउज यू टू एक्सेस योर जो इतने भी ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन, जितना आप फिजिकली नहीं प्रोवाइड कर सकते तो इस डिजिटल लॉकर में अपने जो ई डॉक्यूमेंट उनको रख सकते हो और उनको शो कर सकते हो। ये इसका मेन मोटो, ये मेन बेनिफिट है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन। सो अभी उस टाइम में कुछ दो रिवर का लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, वो कौन सी रिवर है, तो उनमें थी गोदावरी और कृष्णा। सो गोदावरी और कृष्णा रिवर का लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 61 देखा जाए, तो इन द सिटीज ऑफ कंट्री आर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए तो उनमें कौन कौन से गैसेज को उसमें लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4 मतलब 1 और 5 नहीं है। सो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को भी इसमें लिया जाता है। तो इस चीज़ को रखते हैं, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बनता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है इसमें इसको काउंट नहीं करते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 62 इसमें देखे जाएँ, विद रेफरेंस टू द एट्रोसेट। सो एट्रोसेट है जो इसको एट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो लॉन्च की थी इंडिया ने, तो इसका इसमें स्टेटमेंट दे रखें, तो इनमें इन दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, इसमें क्या रखें, अदर देन USA रसिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च सिमिलर, ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है। एस्ट्रोसैट इज 2000 kg सैटेलाइट प्लेस इन ऑर्बिट ऑफ 1650 किलोमीटर एंड अबव द सर्फेस ऑफ इंटर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट जो गलत है उसमें लिखा है कि, सो उसका मतलब ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इसरो इज लॉन्चिंग स्पेस ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस बिफोर इंडिया नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन और जापान, और इसमें से मतलब इसमें दे रखा है USA और रसिया, बट यूएसए रसिया से पहले भी जापान भी और यूरोपियन यूनियन भी उन्होंने एस्ट्रोसैट जैसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखी हैं। तो इस वजह से वो पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत हुआ, और दूसरा वाला इसका जो वेट है इसमें 2000 की दे रखा, वो 2000 नहीं है, वो कितना है, 1513 किलोग्राम इसका वेट दे रखा है, तो इस चीज़ को याद रखना। और जो इसके अलावा जो इसमें जो डिस्टेंस है वो 1650 नहीं है, वो 650 है, तो ये इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 66 देखा जाए, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री देखा जाए विडियम इंडिया में, तो एक टर्म थी अरघट्टा। तो अरघट्टा जो इस टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सो इससे वो किससे रिलेटेड है, वाटर व्हील था जो यूज़ किया जाता है इरीगेशन लैंड इरीगेशन में, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। काफ़ी कॉमन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु। मतलब ये जो
दे रखी है, जो प्रोफेशन इसमें दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड, वो है मगध में। सो मगध जो है वहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज़ को याद रखना। सो इतने भी इसमें दे रखे हैं जो कल्चर हिस्ट्री में जो दे रखे हैं, मेमोराइजिंग और क्रॉनिकल, डायनेस्टिक हिस्ट्री और इपिक टेल्स जो दे रखे हैं वो सबसे ज़्यादा मगध से रिलेटेड होती हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 65 में, तो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड डिक्लेयर्ड पर्टिकुलर बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई है जो उसको इट्स स्टेट बटरफ्लाई को दर्जा दिया गया, तो वो कौन सा स्टेट है, किस स्टेट ने उसको एज अपने उस बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है, तो उसमें कौन सा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने ही एक बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई की तरह उसको नाम दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 66, सो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही होता है, उसमें स्टेटमेंट दे, पहला इसमें दे रखा है कि मंगलयान जो इसरो ने लॉन्च किया था उससे रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। सो 1 एंड 3 को पढ़ते हैं, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको MOM बोलते हैं वो सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा क्या था, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव, सो इंडिया इसमें गलत हो जाता है, इंडिया सेकंड कंट्री नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना, इंडिया सेकंड कंट्री नहीं है, इंडिया फर्स्ट कंट्री एशियन कंट्रीज़ में, और जैसा पूरा वर्ल्ड में देखा जाए वो चौथा कंट्री है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग स्पेस का ऑर्बिट और मार्स वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये सही है, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंडिया ने मार्स जो मिशन है जिसको MOM बोलते हैं, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको सक्सेस कर लिया था, इस वजह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट में ही सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट, जो स्प्लिट जो हुआ था इंडियन कांग्रेस में सूरत, जो सूरत में हुआ था 1907 में, तो उसका मेन रीजन क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीमिज्म जो हो गया उनमें लैक ऑफ फेथ होने लगा था कैपेसिटी, जो कि मॉडरेट्स उनकी कैपेसिटी में, सो एक्सट्रीम, सो जो जितने भी एक्सट्रीम और जो मॉडरेट थे उनके बीच में दरार आने लगी, तो ये इनका मेन जो रीजन बनता है। सो एक्सट्रीमिज्म ऑफ द लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो मुझे मॉडरेट से वो ढंग से उनको रीनेगोशिएट नहीं कर पाता, इसी चीज़ की वजह से उनके उनके ऊपर वो फेथ कम होने लगा था एक्सट्रीमिज्म का, तो इस वजह से उनके बीच में स्प्लिट होने लगा 1907 में, जो उसको INC के जो उसमें सेशन जो हुआ था 1907 में सूरत का, वहाँ पर स्प्लिट हो गया था, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 68, द प्लान ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने इन्फ्री डेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो प्लान आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उसका क्या था, तो इसमें इंडिया ऑप्शन नंबर सी है कि इंडिया शुड बी ए गिवन डोमिनियन स्टेटस, तो उसमें बोला था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का हमें वो स्टेटस दिया जाए, इसकी स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन जो था वो उसने कमीशन था, उन्होंने ये बोला था, बट हमने तब ये चीज़ लेने से मना कर दिया था, तो इस चीज़ को याद रखना। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सो फेमस प्लेस दे रखे हैं, उनका रीजन दे रखा है, सो बोधगया, बघेलखंड गलत है, इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर है सी 2 एंड 5, मतलब 2 एंड 5 सही है, बाकी सब गलत है। सो खजुराहो बुंदेलखंड में है और तिरुपति रायलसीमा में, सो रायलसीमा में क्या है तिरुपति और बुंदेलखंड में क्या है खजुराहो, सो बाकी और ये सब गलत हैं, तो चीज़ को याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 70, सो क्वेश्चन 70 में क्या दे रखा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर ऑफ टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ ए रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट इज पास्ड बाई, सो मतलब इसमें देखा है जो नेशनल इंटरेस्ट जो स्टेट लिस्ट में जो आते हैं कुछ आइटम्स जो आते हैं स्टेट लिस्ट में, जो पार्लियामेंट है जो इंडिया की पार्लियामेंट उनको अपना एक्वायर कर सकता है, पावर कर सकता है, और वो किसके किस बेसिस पर, नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर, सो उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वो कहाँ लाया जाता है, सो जो रेजोल्यूशन आता है इस रेजोल्यूशन को पास कर टू डेट इफेक्ट इज पास बाई, सो जो रेजोल्यूशन होगा वो पास किया जाएगा किसके द्वारा, किस बेसिस पर, किस तरीके से वो इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, सो ये क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा पास करेगा कितनी मेजोरिटी से, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर जो कि जो प्रेजेंट होंगे और जो वोट करेंगे, सो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 71, सो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल
इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाई लॉन्ग नेविगेशन चैनल। सो वो कौन से स्टेट में ऐसा ये चीज़ होने वाली है? तो वो होने वाली है राजस्थान में। आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनने वाला है, वो कहाँ बनना है वो बनने वाला है राजस्थान में। तो ऐसा चीज़ें प्रपोज की गई थी, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सो विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग हुई थी पेरिस क्लाइमेट वो 2015 में पेरिस में, तो इसका जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इन स्टेट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। सो इस चीज़ को याद रखना, दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। सॉरी, सो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये एग्रीमेंट, इसका एम क्या है, टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिजन सो डैट राइज जो हो रहा है टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वो राइज हो रहा है, उसको हम रोक सकें बाय द एंड ऑफ सेंचुरी एंड डूजन एक्स, और जो उसको जो एवरेज है उसको ना बढ़ने दें कहाँ तक, 2 डिग्री तक, और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक। सो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वो ठीक है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 वाले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 74। सो एक रिसेंट मूवी आई थी जिसका टाइटल था द मैन हु नोज इन्फिनिटी। सो वो जो मूवी आई थी वो बायोग्राफी थी किसकी, ठीक है, ये क्वेश्चन था। सो एक मूवी से मूवी के ऊपर क्वेश्चन आया UPSC में। सो बायोग्राफी किसकी थी, एम रामानुजन जो इंडिया के थे, तो ये उनके ऊपर मूवी आई थी जो कि ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म थी, तो इस चीज़ को याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 75। सो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा सही होगा, तो उसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी मतलब 2। तो पहला वाला क्या है, मिनिमम जो एज है प्रेस्क्राइब की गई है एनी पर्सन की जो मेंबर ऑफ पंचायत के लिए, कितनी है, 25, जो कि गलत है। वो कितनी है, वो है 21। इसी वजह से पहला वाला गलत हो जाता है, दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला क्या है, ये पंचायत रिकन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली ऑफ फॉर द रिमाइंडर, जो रिमाइंड मतलब कोई पंचायत जब होती है वो भंग हो जाती है, तो जो जितने टाइम दूसरी पंचायत जो आएगी, जो जितने टाइम रिमेनिंग बचता है, तो उतने ही पीरियड तक वो रहती है रिमेनिंग पीरियड तक। तो इसी वजह से दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है, क्वेश्चन 76 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो इसे स्टेटमेंट दे रखें, तो उन्होंने कौन सा सही है, तो इसमें भी दूसरा वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। पहला क्या है, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। जब भी प्रोरोगेशन होता है तो लोकसभा जो बिल होता है, वो बिल पेंडिंग होता है, वो लैप्स हो जाता है, वो ऐसा सही गलत है, वो लैप्स नहीं होता। और दूसरा वाला क्या है, जो ए बिल पेंडिंग राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा और शैल नॉट लैप्स इन द डिस्कशन फॉर द लोकसभा। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सो जो बिल है राज्यसभा पेंडिंग हुआ है और जो लोकसभा पास नहीं हुआ है, तो वो लैप्स नहीं होता है जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसी वजह से सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर यूज बाई इफ IFPRE है। सो जो इसका इसमें जो दे रखा है, इसमें जो मेन इंडिकेटर, इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है, तो इसमें मेन इंडिकेटर कौन से होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 3। सो 1, 2, 3 सारे सही हैं, तो सारे सही हैं। इसमें जितने भी दे रखे इंडिकेटर सभी सही होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में आते हैं। लाइक इसमें अंडर न्यूरिशमेंट देखा जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग देखी जाती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें देखा जाता है। तो ये तीनों ही इंडिकेटर हैं वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देयर हैव बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। सो विच एक्शन सो जब भी इसमें दे रखा है कि डेफिसिट बजट होता है हर साल परसिस्टेंट, तो ऐसा कौन सा एक्शन जो उसमें लिया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट लेते हैं ताकि जो बजट डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो 1 और 3 है वो लिया जाता है, 1 और 3। पहला कौन सा, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंड, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उनको कम कर देते हैं, और रेशनलाइजिंग और जो सब्सिडीज हैं उनको रेशनलाइज कर दें, कम कर देते हैं। इस वजह से जो डेफिसिट जो आता है जो बजट में उसको कम करते हैं, ना कि जो नई वेलफेयर स्कीम है उनको लाना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जब कभी भी नई वो स्कीम आएंगी तो उनमें खर्चा ज़्यादा होगा, तो जितने भी वेलफेयर स्कीम है उनको कम कर देते हैं इंट्रोड्यूस करना। देन जो चौथा वाला क्या है, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको भी कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है।
अगर इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो इससे वजह से जो हमारे बजट पर जो लोड है वो ज़्यादा और ज़्यादा आएगा, और इसकी वजह से जो डेफिसिट है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से इंपोर्ट जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। सो इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। दैन क्वेश्चन नंबर 79। सो 79 क्वेश्चन है, द इस्टेब्लिशमेंट, जो इसमें बोला कि पेमेंट बैंक है इज बिंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो पेमेंट बैंक को फाइनेंशियल इंक्लूजन और को प्रमोट करने के लिए लाया गया, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। सो 1 और 3 वाला सही है। सो इसमें क्या है, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट चेन्स दैट ओन डेट आर ओन एंड कंट्रोल बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है, 1 और 3। तीसरा वाला है, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट बी अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज। सो पेमेंट बैंक जितने भी होते हैं वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, बट वो लैंडिंग एक्टिविटीज, वो जो भी लैंडिंग फैसिलिटीज हैं, मतलब उधारी जो लोन्स देते हैं, वो प्रोवाइड नहीं किया करेंगे। वो चीज़ें ऐसे फंक्शन को वो पेमेंट बैंक हैं वो नहीं देंगे। तो इसमें ये बोला था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो किस वजह से गलत है, इसमें दे रखा है कि जो पेमेंट बैंक्स हैं कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। सो इसमें यही है कि वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, जिसको ATM कार्ड बोलते हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर जो दूसरा है वो गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80, विद रेफरेंस टू लाइफाई, जो लाइफाई टेक्नोलॉजी थी वो न्यूज़ में थी, तो उसका मतलब क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, बहुत दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो लाइफ आई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? लाइफ आई टेक्नोलॉजी का मतलब इट यूज एज ए लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसमें इसका यूज़ करना, इसमें इसका यूज़ किया करने को बोला गया था, इसमें लाइफ आई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। देन दूसरा, इट इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। सो ये जो लाइफाई टेक्नोलॉजी है वो वाईफाई से सेवरल टाइम फास्टर है, और ये टेक्नोलॉजी वायरलेस है, तो इसी वजह से इसको, इसमें इसका ये मीन है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम ये न्यूज़ में थी काफ़ी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, वो एक ये इसमें न्यूज़ में चली थी ये टर्म, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस टर्म का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो इस क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, तो इस टर्म का ये मतलब है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज ऑफ उदय, जो उदय स्कीम थी जो गवर्नमेंट की, तो उसका पर्पज क्या है, मेन मोटो क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 80 जो उदय स्कीम है, तो ऑप्शन इसका सही है डी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, और जितने भी वो घाटे में उनको और ज़्यादा रिवाइव करना। तो ये इसका उदय स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो इट इज़ अ, उदय को क्या बोला है, उदय स्कीम का मेन फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। सो इसी वजह जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको रिवाइवल करना, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करना ही इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 83 देखा जाए, विद रेफरेंस टू द IFC मसाला बॉन्ड है, वो न्यूज़ में रहे थे, तो IFC मसाला बॉन्ड के रेफरेंस में स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो दोनों क्या है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है विच ऑफर दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो जो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो वर्ल्ड बैंक का ही एक आर्म है, एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दे आर द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड एंड आर ए सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये वाला पॉइंट भी सही होता है। सो इसमें रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, और इसमें डॉफ जो सोर्स होता है डेट फाइनेंसिंग का, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए ही होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है, क्वेश्चन नंबर 84। सो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा, जो किंग थे कृष्णदेवा, तो उनके टाइम पे जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ विजयनगर जो है थे कृष्णदेवा, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें कि द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। सो जो टैक्स रेट थे वो डिपेंड करते थे, वो फिक्स थे, और किस पे डिपेंड थे, जो लैंड की जो क्वालिटी, मतलब लैंड की क्वालिटी, अगर वो फसल ज़्यादा प्रोवाइड करा रही थी तो उस पर टैक्स ज़्यादा होगा, अगर फसल
कम प्रोवाइड कर रहे थे उस पर टैक्स हुआ वो कम होगा, तो और क्वालिटी ऑफ लैंड पर डिपेंड था वो टैक्स और वो फिक्स थे। दूसरा क्या था, प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्क्स ऑफ पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स, जो प्राइवेट ओनर्स थे जो वर्क्स ऑफ के वो इंडस्ट्री टैक्स पेड करेंगे, मतलब उनके लिए अलग कैटेगरी थी टैक्स की। तो ये तीनों ही जो सॉरी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं, बोथ ऑन वन टू, जो किशन देव राय जो रूलर थे विजयनगर के, तो उनके हिसाब से जो टैक्सेशन उनके टाइम पे जो टैक्सेशन सिस्टम था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, सो एंशिएंट इंडिया की जो बुक है सो इसमें हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सो सुंगा डायनेस्टी में एक फाउंडर थे, उनका उनका सन था, तो उनकी उनकी एक लव स्टोरी थी, तो वो कौन सी बुक थी, तो उसमें सही आंसर है बी, मालविका गिनमित्र। सो ये बुक थी, इसमें स्टोरी बताई गई है जो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे उनके बेटे की सन की, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 86, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स अम्बर बॉक्स या ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। सो जितने भी टर्म्स हैं ये जो बॉक्स हैं वो किस से रिलेटेड हैं, सो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में तो ये WTO की अफेयर से रिलेटेड हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये चीज़ें ये बॉक्सेज या जो टर्म हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 87, सो क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। सो इनमें से कौन सी चीज़ें कैपिटल बजट जो होते हैं गवर्नमेंट के उसमें इंक्लूड होती हैं। सो इसका सही आंसर तो डी, मतलब तीनों ही जो स्टेटमेंट सही हैं तो तीनों ही इसमें जो होगा सही होगा। सो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जो एक्सपेंडिचर होते हैं एक्विजिशन एसेट्स पर लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी, तो वो एक एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल बजट में इंक्लूडेड होती हैं। देन लोन जो होते हैं रिसीव होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स में वो भी कैपिटल बजट में आती हैं। देन लोन्स एंड एडवांसेस आर ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सो जितने भी लोन्स हैं या एडवांस ग्रांट किए जाते हैं वो भी कैपिटल बजट में ही इंक्लूड होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्टिफिकेशन इंटरनेशन का जो कॉम्बैट इसको कॉम्बैट करना है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला तीसरा को पढ़ते हैं। तो जो इसका पहला एम है कि प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इसी वजह से पहला स्टेटमेंट सही होता है। देन तीसरा वाला क्या है, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, इसमें बॉटम अप्रोच इसमें यूज़ की जाएगी, ऑल्सो इसके अलावा इनकरेजिंग द पार्टनरशिप ऑफ द लोकल पीपल, सो इसमें लोकल पीपल को भी इसमें उनकी पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन उनको लिया जाएगा इन कॉम्बैटिंग द डिजर्टिफिकेशन, इसको डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने के लिए, तो इस वजह से पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि रिसेंटली वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ बीन प्रपोज टू एडेड टू अ बास्केट ऑफ द IMF SDR, जो IMF की जो SDR बास्केट है उसमें किस कंट्रीज़ की करेंसी को उसमें इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन नंबर डी रैनमिनवी। सो ये जो करेंसी है वो किस कंट्री की है, सो ये करेंसी है चाइना की, सो इस करेंसी को IMF की SDR वाले लिस्ट में रखा गया है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जिसको IMF से बोला गया है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दोनों इसमें पढ़ते हैं। IMFC क्या है, डिस्कस करता है मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जो जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी को जो अफेक्ट करते हैं मैटर्स उनको डिस्कस करता है। इसके अलावा एडवाइस टू द इंटरनेशनल बॉडी, उसको IMF को एडवाइस करता है टू डायरेक्शन ऑफ द इट्स वर्क, तो अपने जो वर्क है उसके IMF को एडवाइस करता है। दूसरा है कि वर्ल्ड बैंक एंड पार्टिसिपेट एज ए ऑब्जर्वर इन IMC मीटिंग, जो IMFC मीटिंग होती है तो उसमें जो है वर्ल्ड बैंक एज ए ऑब्जर्वर की तरह उस मीटिंग को पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है, तो ये इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है वो एक नेशनल कैंपेन है, ठीक है, तो उस वजह से जो कैंपेन है उसका मेन मोटो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है सी,
तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इरेडिकेट करना, निकाल हटाना क्या है, प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है, या और इसके अलावा रिहेबिलिट द मैनुअल स्कैवेंजर, तो जो प्रैक्टिस मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस को ख़त्म करना है और जो मैनुअल स्कैवेंजर है उनको रिहेबिलिट कराना है। तो ये मेन मोटो है राष्ट्रीय गरिमा अभियान का, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मीडिया ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं स्टेटमेंट, तो इन स्टेटमेंट में कौन सा सही है, पहले तो देख लें इसका सही आंसर क्या, बोथ वन एंड टू। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट देखें क्या है, सिद्धा जो होते हैं सितार्स ऑफ तमिल रीजन में वर मोनोथेस्टिक एंड कंडम आइडलिट्री, तो इसमें सिद्धा हैं जो सितार्स जो देखते हैं तमिल रीजन में वो मोनोथेस्टिक भी होते हैं और वो आइडलिट्री कंडम्ड भी होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो लिंगायत जो होते हैं कन्नड़ रीजन में, जो केरला वाले रीजन हो गया, क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ ऑफ, वो जो उसको जो रीबर्थ की जो थ्योरी है उसको क्वेश्चन करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, किसको, कास्ट हायरकी को, जो कास्ट हायरकी को रिजेक्ट करते हैं और जो रीबर्थ की जो थ्योरी है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, लिंगायत जो होते हैं कन्नड़ रीजन में, तो इसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इम्पोर्ट कवर, जो इम्पोर्ट कवर है जो न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम में, तो उसका मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाई ए कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व, सो जितने भी कंट्रीज के इंटरनेशनल रिजर्व होते हैं उससे जो नंबर ऑफ मंथ का जो इम्पोर्ट जो आता है उससे पेड करना, इसी वजह से उसको बोला जाता है इम्पोर्ट कवर, इम्पोर्ट कवर, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सो इसमें मैच द फॉलोइंग में दे रखा है, कम्युनिटी दे रखी हैं, उसके अलावा उनके जो अफेयर्स थे उस टाइम में, बाकी से जो किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं इस चीज़, इस वजह से, तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टू एंड थ्री, मतलब कुर्द वाला तो गलत है, कुर्द वाला इसमें नहीं, वो टर्की में होता है, तो इस वजह से पहला वाला गलत हो गया, जो मदेसी कम्युनिटी नेपाल में, रोहिंग्या म्यांमार में, सो दोनों जो दूसरी और तीसरी जो हैं उस वजह से सही हो जाते हैं, और कुर्द कम्युनिटी कहाँ मिलती हैं, वो टर्की में, तो इस चीज़ को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW है, तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें कौन सा सही होगा, तो इसमें पहले तो देखें स्टेटमेंट में दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा पढ़ते हैं, तो इट मॉनिटर केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स, मतलब वो केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करते हैं ताकि वो जो कोई भी नया केमिकल वेपन बना ना सके, और तीसरा क्या है, इट प्रोवाइड असिस्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेट, जितनी पार्टीज होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसके खिलाफ, केमिकल वेपन्स की थ्रेट के खिलाफ, ठीक है, इस वजह से इसको याद रखना। और पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, इट ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन है, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसके अलावा नाटो और WHO, तो ये गलत है, ठीक है, वो किसके साथ है, वो है केमिकल वेपन कन्वेंशन के साथ है, तो इसी वजह से पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सो ये योजना है, तो इस रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला पढ़ते हैं, द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सो सही है, ये जो जितने भी स्कीम है, ये स्कीम है वो जितने भी हार्वेस्ट करने के बाद जितनी भी लॉसेज होते हैं उसको कवर करती है, अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन, जितनी साइक्लोन होती हैं या अनसीजनल रेन्स हो गई उससे रिलेटेड जितने भी नुकसान होता है, तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हैं उनको पूरा कवर करती है ये स्कीम, इसी वजह से दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रीन इंडियन हॉर्नबल, जो ग्रीन इंडियन हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल है वो नेचुरल हैबिट है, वो कौन कहाँ इंडिया के किस रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, सो ग्रीन इंडियन ग्रेट सॉरी ग्रीन नहीं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो, उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 98, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसका की फीचर्स क्या है, तो इसको पहले देखें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है,
तो पहला क्या है, रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसका मेन क्या है, ये एक यूनिट है प्लानिंग और मैनेजमेंट की। देन इसके अलावा इट स्प्रेड अप द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। तो इसका मेन है कि वो रिवर कंजर्वेशन एफर्ट लेंगे, वो भी नेशनल लेवल पर। और तीसरा क्या है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकम द चेयरमैन ऑफ द एंडेवर। जो ये गलत है, कोई भी ऐसा इसमें उसमें पॉइंट नहीं है कि कोई भी इसमें अलग अलग स्टेट के इसमें चीफ चेयरमैन होंगे, ठीक है। इस वजह से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड एरिया इन एग्रीकल्चर। इसमें बोल रखा है जो नीम कोटेड एरिया है, यूरिया है, एग्रीकल्चर में यूज, इंडिया क्यों उसको प्रमोट ज़्यादा कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बिकॉज नीम कोटेड जो है वो स्लो डाउन कर देता है रेट, डिसोल्यूशन का जो रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है यूरिया सॉइल में जो होता है। इसी वजह से नीम कोटेड एरिया का ज़्यादा यूज़ करने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट कर रही है, तो इस चीज़ को याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा सही है। सो इसमें बोला गया है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो जी जो है जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा जो कि उस स्टेट का गवर्नर है। देन दूसरा है, चीफ सेक्रेटरी इज एन स्टेट हैज ए फिक्स टेन्योर। तो उसका जो एक टेन्योर है वो होता है फिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। सो जो चीफ सेक्रेटरी उसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता, उसको कभी भी हटाया जा सकता है और कितनी भी टाइम तक उसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।